नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल फिनोज पे। IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक का जैसे ही बोलते कि Q3 का रिजल्ट आया था, उसके बाद अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक गिरावट बना था, क्योंकि मार्केट को लग रहा था, मतलब इसका जो Q3 का 24 का रिजल्ट जैसा लग रहा था उससे थोड़ा कम आया। फिर भी अगर देखेंगे उसके बाद जो है शेयर यहाँ पे एक बोल सकते इसका जो प्राइस है, शेयर का जो प्राइस है वहाँ पे एक तेज़ी बना पाया है। मतलब बोल सकते कि एक तरीके से Q3 24 का रिजल्ट आने के बाद शेयर गिरा और उसके बाद शेयर में जो है फिर से एक बार हम लोग को तेज़ी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 80 रुपये के आसपास शेयर पहुँच गया था और उसके बाद जो है शेयर अभी 82.50 पैसे के आसपास पहुँच गया है। यहाँ पर डिटेल में समझेंगे दोस्तों हम लोग IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को लेकर क्या चल रहा है इस पर, क्या टारगेट प्राइस होना चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर का। रिक्वेस्ट करते वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोज का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात है दोस्तों। एक दिन में IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में 3.1% का आसपास जो है तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। वही एक हफ्ते के अंदर 4.5% का आसपास जो है इसने गिरावट बनाया है और एक महीने में 6.7% का जो इसने गिरावट बनाया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर, इसको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है और अंडर रेडर पे ये शेयर। ड्यूरेबिलिटी 70 है इसका आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 60 है आउट ऑफ 100 इसका, एंड मोमेंटम जो है 43.30 है आउट ऑफ 100। दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का। एक महीने का यहाँ पे हम लोग शेयर का इन्फॉर्मेशन IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर का देख रहे हैं, जहाँ पे एक महीने का जो हाई प्राइस इसने बनाया है वो है 89.65 पैसे का और जो लो प्राइस बनाया है 78.90 पैसे का। एक हफ्ते का जो हाई प्राइस है वो है 85.20 पैसे का और जो लो प्राइस बनाया है वो है 78.90 पैसे का है। तो यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, देखिए IDFC फर्स्ट बैंक का जैसे ही मर्जर का एक अपडेट आया था, IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड ये सबका मर्जर का जो अपडेट आया, जिसमें RBI से लेकर बहुत सारे ऐसे जो अप्रूवल कमिटीज़ है उनमें से अप्रूवल मिला। उसके बाद भी अगर देखेंगे तो IDFC में जो एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ देखने को मिला, एक बुलिश बोलते थे कि मार्केट से जो एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे डिमांड देखने को मिला है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं जो कि 58,382.4 करोड़ का है। प्राइस टू बुक रेशियो जो है 2.3 है। तो इस इंडस्ट्री में देखेंगे, इस सेक्टर्स में देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, मतलब हो सकता है कि शेयर जो है एक तेज़ी बना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे टेक्निकली जो है शेयर अभी एक न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है। वही RSI इंडिकेटर कह रहे कि जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। वही दोस्तों MACD इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर एक बेयरिश लेवल बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखते हैं BSE रहने से मिला के जो एक दिन का एवरेज देखने को मिल रहा है जो है 86.2 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 45.7% का है और डिलीवरी वॉल्यूम जो है 39.4 मिलियन का है। एक हफ्ते का BSE से मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 71.6 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 47% का है और डिलीवरी वॉल्यूम 33.6 मिलियन का है। एक महीने का BSE मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 46.4 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 43.6% का है और डिलीवरी वॉल्यूम जो है 20.2 मिलियन का है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर का जो बोल सकते कि डिलीवरी परसेंटेज है वो यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिल रहा है, वही दोस्तों जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर से अभी एक अच्छा खासा यहाँ पे डिमांड क्रेज देखने को मिल रहा है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को लेके। प्रोमोटर्स के पास 37.45% का स्टेक है, FIIs के पास 24.3% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 3.4% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 6.96% का स्टेक है और पब्लिक के पास जो है 27.89% का स्टेक है। अभी यहाँ पे दोस्तों देखते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको, जहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में जो FIIs है, FIIs के पास देख सकते 24.48% का स्टेक था, FIIs ने जो है स्टेक घटा के 24.30% का स्टेक कर दिया। वही दोस्तों नंबर ऑफ FIIs इन्वेस्टर जो है 557 था, वो बढ़ा के जो है यहाँ पे 607 कर दिया गया है। तो यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का अभी मतलब बोल सकते कि इन्वेस्टर्स की ओर से एक अच्छा डिमांड यहाँ पे क्रेज यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इसका एक टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है दोस्तों वो है 92.42 पैसे का, 92.42 का जो है आप एक टारगेट प्राइस देखने को मिल रहा है। 92.40 का जो टारगेट प्राइस है दोस्तों, हो सकता है कि इसके लिए आपको थोड़ा समय होल्ड करना पड़े। शेयर का प्राइस अभी 82.83 के आसपास चल रहा है, तो हम लोग 82.83 के आसपास से अगर देखते हैं तो 92 का जो शेयर का प्राइस है यहाँ पे थोड़ा समय आपको होल्ड भी करना पड़ सकता है। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो IDFC फर्स्ट बैंक है इसको लेके बहुत सारे अपडेट जो है हम लोग को बीच में देखने को मिला था, जहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का बोल सकते कि जो इसका Q3 का रिजल्ट आया था उसके बाद शेयर में हम लोग एक तेज़ी बना। IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर जो है यहाँ पे देख सकते
सकते हैं। जो इसका लोअर्स 5 ईयर्स लोन बुक है और उसमें भी एक अपडेट आया था जिसके चलते शेयर में हम लोग को गिरावट बनता हुआ देखने को मिला था। तो यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का अब ये देख सकते हैं, जहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक जो शेयर्स फॉल आफ्टर इट लोअर्स 5 ईयर लोन बुक गाइडेंस। तो ये कुछ दिन पहले का अपडेट है जहाँ पे इसके लोन बुक गाइडेंस जो है उसमें थोड़ा गिरावट बनता हुआ देखने को मिला था 5 ईयर्स का, जिसके चलते शेयर के प्राइस में भी हम लोग को एक गिरावट बनता हुआ देखने को मिला था। IDFC फर्स्ट बैंक का देख सकते हैं, जो बोल सकते कि शेयर जो है इसमें IDFC फर्स्ट बैंक का जहाँ पे 5 ईयर जो लोन बुक गाइडेंस है वो घटा था, मतलब IDFC फर्स्ट बैंक जो अभी हम लोग को कुछ दिन पहले गिरावट बना था उसमें अगर डिटेल में हम लोग समझते हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक का देख सकते हैं जो 5 ईयर लोन बुक है गाइडेंस टू 20% फ्रॉम द करंट 25%। वी हैव पुट रीजनेबली अचीवेबल नंबर्स इन आवर ओपिनियन बिकॉज वी हैव एज्यूम द लोन बुक विल गो बाई 20%। तो फिलहाल अभी बोल सकते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक का अभी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना रहा है IDFC फर्स्ट बैंक, और जहाँ पे एक बोल सकते कि शेयर जो है IDFC फर्स्ट बैंक का हो सकता है कि आगे चल के एक तेज़ी बनाए, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा समय होल्ड करना पड़ सकता है। ज़्यादातर जिसको अप्रूवल चाहिए रहता है जो मर्जर के लिए, अगर देखते हैं जितने भी अप्रूवल चाहिए रहता है तो ज़्यादातर अप्रूवल जो इसको मिल चुका है IDFC फर्स्ट बैंक को, अभी कुछ अप्रूवल बाकी है उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड का जो है यहाँ पे मर्जर होगा और उसके बाद स्टॉक में तेज़ी भी बन सकता है। यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक को लेके जो कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की ओर से ये टारगेट प्राइस दिया गया था जो कि था 85 रुपीज़ का, 85 रुपीज़ के आसपास का एक टारगेट प्राइस दिया गया था दोस्तों मोतीलाल ओसवाल से। तो अभी 85 रुपीज़ का टारगेट प्राइस अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों, फिलहाल यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर का प्राइस जो 82.50 के आसपास चल रहा है। इसका जो बोल सकते कि जो एक हाई प्राइस इसने बनाया था कुछ दिन पहले जो कि 100 रुपये के ऊपर जो 100 रुपीज़ के ऊपर ये शेयर पहुँच गया था, अभी 84-85 के आसपास एक टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस फिलहाल नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का अगर देखेंगे डिटेल में, जैसे कि अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जहाँ पे 82.50 से अगर हम लोग शेयर का प्राइस देखते हैं तो यहाँ से छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं। 24 का रिजल्ट आया है और बहुत जल्दी जो है IDFC लिमिटेड का भी Q3 का रिजल्ट आएगा और IDFC लिमिटेड के शेयर में भी एक तेज़ी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे IDFC लिमिटेड के शेयर में देख सकते हैं एक दिन में जो है लगभग 1.6% के आसपास तेज़ी बनता हुआ देखने को मिल रहा है, वही एक हफ्ते के अंदर 4.8% के आसपास जो इसने गिरावट बनाया और एक महीने में 5.1% के आसपास जो गिरावट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। IDFC लिमिटेड का जो Q3 24 का रिजल्ट है वो देख सकते हैं कि द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग फॉर IDFC लिमिटेड इज ऑन 31st January 2024 फॉर द पर्पस ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट। तो IDFC लिमिटेड का भी यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, हो सकता है कि यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक जिसका Q3 24 का रिजल्ट है एक अच्छा खासा रिजल्ट पोस्ट करे। फिलहाल IDFC लिमिटेड के शेयर को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है और अंडर रेडर पे ये शेयर। ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, 60 है आउट ऑफ 100 वैल्यूएशन, 73.80 है आउट ऑफ 100, मोमेंटियम जो है 47 है आउट ऑफ 100। IDFC लिमिटेड का हम लोग यहाँ पे एक महीने का डिटेल्स देखते हैं, जहाँ पे एक महीने का जो इसने हाई प्राइस बनाया है वो है 129.70 पैसे का, जो लो प्राइस बनाया है वो है 113.70 पैसे का। वही दोस्तों एक हफ्ते का जो इसका हाई प्राइस है 121.50 पैसे का और जो लो प्राइस है 113.70 पैसे का। IDFC लिमिटेड का दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं जो कि 18,879.8 करोड़ का है और प्राइस टू बुक रेशियो 1.6 है, तो इस इंडस्ट्री में देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा है। टेक्निकली बात करते हैं IDFC लिमिटेड के शेयर को लेके, जहाँ पे IDFC लिमिटेड का शेयर जो है यहाँ पे न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहा है कि ये जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है, वही दोस्तों MACD इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है एक बेयरिश लेवल बना रहा है। IDFC लिमिटेड का दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे IDFC का जो बोल सकते कि एक दिन का BSE और NSE मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 7.7 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 42.4% का है और डिलीवरी वॉल्यूम 3.3 मिलियन का है। एक हफ्ते का BSE और NSE मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 10.3 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 47.4% का है और डिलीवरी वॉल्यूम जो है 4.9 मिलियन का। एक महीने का BSE और NSE मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 7.1 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 45.8% का है और डिलीवरी वॉल्यूम जो है 3.2 मिलियन का है। तो दोस्तों यहाँ पे IDFC का जो डिलीवरी परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं घटता हुआ देखने को मिल रहा है और डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको कैसा लगता है IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC का शेयर, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नॉइज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।